वाइस डॉक्टर सुनीता, आज का जो टॉपिक है इस रिलेटेड टू कि क्या तेल लगाने से या ऑयल लगाने से हेयर ग्रोथ होती है, इट्स ट्रू और फॉल्स। तेल लगाने से या ऑयल स्ट्रैंड्स पे लगाने से बाल की ग्रोथ नहीं होती है, आपको बाहर से लस्टरनेस मिल जाता है, चमक मिल जाती है, ठीक है, और बाल जो है बाहरी तौर पे मॉइस्चराइज हो जाते हैं, ठीक है, मॉइस्चराइज हो जाते हैं और लस्टरनेस मिलती है, दो चीज़ें होती हैं। बालों को जो स्कैल्प पे जो मॉइस्चराइज़र का तरीके का काम करता है, वो करता है आपका ब्लड सर्कुलेशन जो अंदर होता है। तो इसीलिए जब हम छोटे थे तो क्या होता था कि दादी नानी आपकी स्कैल्प की मसाज करते थे ताकि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो और आपके बाल बढ़े, ठीक है, तो वो रीज़न होता था। लेकिन अभी जो लोगों को रीज़न ज़्यादा पता नहीं है, उनको एक मिथ है कि बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगाने से बाल ग्रो करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। बालों के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप तेल छोड़ते हो तो वो एक अनहाइजीनिक तरीका है, ठीक है, तो उससे आपके बाल कमज़ोर होते हैं ना कि बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि परस्पिरेशन पसीना आ जाता है उससे। सेकंड थिंग, अगर आप बाल ज़्यादा दिनों तक धोते नहीं हो तो भी उससे ये प्रॉब्लम होती है कि हेयर फॉल बढ़ जाता है आपका, ठीक है। बट अगर हम बात करें मॉइस्चराइजेशन की या फिर हम बात करें कि आपके बालों की ग्रोथ की, तो आपके बालों का ग्रोथ बढ़ेगा जब आप मसाज करोगे अपने स्कैल्प को, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करोगे, तो आपके जो पोर्स होते हैं बेसिकली स्किन के बीच में और ब्लड के बीच में जो पोर्स होंगे वो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे और आपके बालों को ग्रो कराएंगे। बट बाहरी तौर पर अगर आप तेल लगाते हो या फिर आप क्या करते हैं तेल लगाते हैं या बालों को बहुत खींच के बांधते हैं, उससे बाल नहीं बढ़ते। बाल जो बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, बाहरी तौर पे वो चमक देते हैं। सेकंड थिंग, जो एक मिथ है कि बालों को बहुत टाइट बांधने से बाल बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। बालों को बहुत टाइट बांधने से, अगर आप बालों पर तेल नहीं लगाते और बालों को नॉर्मली भी बांधेंगे तो एक टेंशन फोर्स होती है, वो क्रिएट होती है, जिसकी वजह से बाल बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। तो आप बालों के अंदर तेल नहीं भी लगाएंगे और उसको टाइट बांधे तो भी बाल बढ़ जाएंगे ड्यू टू फोर्स, ठीक है, साइंटिफिकली वे में मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप बालों में तेल लगाओगे और उसको तेज बहुत बांधोगे तो बाल बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बालों को आप नॉर्मली मैनेज करो, उनको खुला ही छोड़ो, चाहे आप उनको बांध के छोड़ो, लेकिन उनको मैनेज करना आना चाहिए आपको, कि आप ऐसे किसी भी तरीके से रखें नहीं और कुछ भी उसमें लगाएं नहीं बालों में, ठीक है। आप मसाज कीजिए बालों को, आपके बालों की ग्रोथ होगी। आप बालों के ऊपर तेल लगाइए, उससे आपको बाहरी तौर पर लस्टरनेस मिलेगी। एंड थर्ड थिंग, मसाज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको हेयर ग्रो कराने हैं, ठीक है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। और यही मिथ था कि बालों को बहुत ज़्यादा तेज बांधने से, मतलब तेज बहुत टाइट बांधने से क्या बाल बढ़ते हैं, तो नहीं, बालों को बहुत टाइट बांधने से बाल नहीं बढ़ते हैं। अगर आप बालों को फ्रीली छोड़ देते हो तो भी बाल बढ़ जाएंगे, उस पर फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, तो वो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप उसको थोड़ा टाइट बांधोगे और बिना तेल के भी बांधोगे तो भी फोर्स लग ही रही है, तो वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बालों पे बहुत ज़्यादा तेल लगाने से बाल नहीं बढ़ते, बालों को बहुत टाइट बांधने से बाल नहीं बढ़ते, दैट इज़ द मिथ। साइंटिफिकली प्रूवन क्या है वो मैंने आपको बताया। तो बालों को मसाज कीजिए, स्कैल्प को मसाज कीजिए और बालों पे तेल 2 घंटे के लिए लगा के छोड़ दीजिए, उसके बाद बालों को धो लीजिए। बहुत देर तक बालों पे तेल लगा के छोड़ेंगे रेस्टिंग फेज में, तो आपको पर्सपायर होगा, यानी कि पसीना आएगा स्कैल्प के ऊपर, और वो आपको डैंड्रफ क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिए एंड आपके बाल जो हैं वो नहीं झड़ेंगे और बालों को मॉइस्चराइज मिलेगा और बाल ग्रो भी करेंगे। तो दैट इज़ द 2 वेरी सिली मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। आई होप गिविंग इनफ इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्प्रेड विद अदर्स। बाय, टेक केयर गाइस।